सेंटीमीटर होल की डायमीटर 1 सेंटीमीटर हमेशा की राइट आई पे होगा, लेफ्ट आई को लेफ्ट से क्लोज कर ले, राइट आई सामने रख ले, पहले लाइट फोकस कर ले एंड उसके बाद नोज थ्रोट या ईयर जो भी गर्विश अपनी करनी है तो वहां पे एडजस्ट कर लीजिए। और पेशेंट के लेफ्ट साइड से सॉरी पेशेंट के राइट साइड से आई लाइट आएगी थी और जो लाइट फिल होती है पल्स आई देगी, बुल्स आई लें, 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 मोबाइल में लाइट वॉच आवाज देते मेरे बुल्स अजी तो बुल्स आई लें, बुल्स हां चलो रोशनी राइट साइड में वॉच आवाज करना राइट साइड से सर सर राइट साइड लेफ्ट साइड से आपकी राइट साइड पेशेंट के लेफ्ट राइट को करेंगे तो वे कंफ्यूज राइट आई राइट साइड इंस्पेक्शन और पल्पेशन देयर इज नो पल्पेशन नो ऑस्कल्टेशन लोकली कंडीशन है लेकिन वो जिन सर्जरी वाले करते हैं थायराइड यहाँ ले नहीं होते तो आप उसको पूछे। सेकेंड कंडीशन जिसमें ऑस्कल्टेशन करते हैं एक कैराटिड बॉडी ट्यूमर कंडीशन है ट्यूमर है नेक में पल्सेटाइव स्वेलिंग होगी पल्स पे आप इस तरह हाथ लेंगे और स्वेलिंग है तो उसमें सिंक्रोनिसिटी पल्सेटाइव स्वेलिंग इन द नेक और ईयर में कंडीशन है ड्रोमोस्टिंग तो इन कंडीशन में ऑस्कल्टेशन लेकिन पॉजिटिव आप लोगों के लिए न कोई एक्सपेक्ट करते हैं फाइनल में तो मेनली इंस्पेक्शन पल्सेशन लोकली नेटिव जर्मेशन इंस्पेक्शन नोज की पेट फ्रंट लुक फॉर एनी स्कार एनी विजिबल डिफॉर्मिटी हम विजिबल अल्सर स्कार विजिबल वेसल्स प्रोमिनेंट वेसल्स अगर नजर आ रहे हैं एनी अदर डिफॉर्मिटी स्कार जो देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लेफ्ट और राइट आर्टरी में स्कार होती है यहाँ पे और एक यहाँ लेफ्ट और राइट आर्टरी वाली स्कार उसके बाद इंस्पेक्शन फ्रॉम दिस साइड तो साइड से भी देखे विजिबल डिफॉर्मिटी स्वेलिंग अल्सर स्कार नजर आती है तो मेंशन करें लोगों को इंस्पेक्शन में लोग इतना उसके बाद ये दिए रहे इसको फर्स्ट विदाउट स्पेयर आई इवेटिंग भी ये पाप हुआ इस तरह इवेट इसको इस तरह इवेट करें ठीक तो हेयर बियरिंग एरिया है वेस्टिब्यूल वो देखे अगर वहां पे बॉयल हो या फॉरेंकल तो वो रूल आउट करें इसलिए स्पेक्युलम जंक्शन बाद में करते हैं ताकि बॉयल या फॉरेंकल आप रूल आउट करें या वेस्टिब्यूलाइटिस हो तो रूल आउट करें इसके बाद एग्जामिनेशन भी स्पेक्युलम स्पेक्युलम तो नॉट इन दोस परफॉर्म किया
या दोनों अगर आपने कंपेरिजन कर लिया स्पेचुलर टेस्ट तो ये बेस्ट है कंपेरिजन के लिए, आप दोनों साइड कंपेरिजन इस तरह रखेंगे और पेशेंट से पी लीजिए सांस नाक से सांस के ऊपर रखिए और नाक से सांस निकालिए एक्टिंग कर लीजिए मैं तो फिर कार्टन से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आप कंपेरिजन नहीं कर सकते एक साइड पे ब्लॉक वाले एक साइड लेकिन उसके लिए बेस्ट है स्पेचुलर टेस्ट। उसके बाद स्मेल स्मेल टेस्ट भी चेक करेंगे मोड्यूल उसके लिए आपके पास घर लेकिन उससे पहले पेशेंट थे कि आप ये बात करते हो ऐसा ना कि आप सामने जा रहे हो उसे पहले एक साथ क्यों महसूस मतलब बोल बोलो ठीक है सर महसूस कर रहे हैं ये नो सर या ग्रोथ है क्वालिटी है पे आपने फिर आई मूवमेंट चेक करने और विजुअल एक्टिविटी फिंगर पॉइंट और कलर एक आई मूवमेंट मूवमेंट ये सब किस किस में चेक करनी है मास इज मास इन द नोज आर देयर आर देयर इज क्वालिटी इन द नोज मास मतलब इन टू फाइब्रोमा ये जो पेजियन कार्सिनोमा मेक्सिलरी साइनस ट्यूमर ऐसी क्वालिटी और इट मर्डर अगर ये चीजें हो तो आपने एग्जामिनेशन में आई मूवमेंट चेक करनी और डिप्लोमेट बिकॉज मास केयर इन्वेट दी ऑर्बिट उसमें मूवमेंट चेक हो जाएंगे अगर ऑप्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें फिर ब्लाइंड तो उसमें विजुअल एक्टिविटी और कलर विजन इज द अर्ली साइन विच इज लॉस्ट अगर ऑप्टिकुलर की इन्वॉल्वमेंट होते पहले लॉस्ट हो उसके बाद विजन लॉस्ट उसके बाद ईयर एग्जामिनेशन फर्स्ट डू दी इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑफ पेना If it is absent, card anosia, ANODIE. If too big, necrosia, too small, hydrosia. Look for any deformity, ulcer, scar, visible vessels, quick motion. Scar दो जगह होंगे एक यहाँ पे ये कौन सी ये हेलिक्स और ये ड्रेगस रिपीट ड्रेगस यहाँ पे स्कार उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पे तो पोस्ट सारी हुए हैं यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट का इंस्पेक्शन पहले स्कार यहाँ पे देखे एंड आर एक्स का उसके बाद पहले पाल्पेशन कर दी उसके बाद रिजर्वेशन पहले पाल्पेशन कर दी पाल्पेशन पेना पहले पेना फॉर पेरिकॉन्ड्राइटिस ईपी पेना फॉर पेरिकॉन्ड्राइटिस ट्रेगस फॉर ब्राइटिस एक्सटर्नल पोस्ट ऑरल और मेस्टाइट प्रोसेस सिम्बाकोनका फॉर इक्विपमेंट मीडिया एंड इक्विपमेंट सिम्बाकोनका पेना सिम्बाकोनका अपोर्ड बैकवर्ड यूबीएल अपोर्ड
उसके बाद अगर सिक्रीशन हो तो नेक्स्ट स्टेप आपने मॉबिंग करी मॉबिंग सॉरी एग्जामिनेशन विद स्पेकुलम देन एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल विद स्पेकुलम ऑफ ईयर रोलिंग मूवमेंट अगर सिक्रीशन है तो नेक्स्ट आपने मोपिंग करनी है जब सनहान प्रॉब्लम के काटन लगे और अगर सिक्रीशन है तो उसके बाद जीस मैजिक है इधर फॉल्स पे ब्लड स्टेन है या ब्लड स्टेन उसके बाद आर्कोस्कोपी इस पे भी टेम्पेरे मेम्ब्रेन नजर आएगी टेम्पेरे मेम्ब्रेन पे कमेंट में इज एन इंटेक्ट टेम्पेरे मेम्ब्रेन पे इंटेक्ट लैब रिफ्लेक्स प्रेजेंट है परफोरेशन है परफोरेशन है तो इंटीरियर है इंटीरियर में हैंडल ऑफ पेनिस या पोस्टीरियर में हैंडल ऊपर कमेंट बाकी अगर और पे तरह है लेकिन वो प्रोटोकॉल फॉलो को नहीं है और इन लिए नहीं कर रही बता बस अगर पेशेंट पहले विस्पर पहले विस्पर नहीं सुन सकता फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन उसके बाद डाउट या शॉक तरीका ये है कि अपोजिट अगर किसी एस चेक करे तो अपोजिट ईयर को याद करने या मास्किंग डिवाइस अगर वो बहरानी नाइस बस तो वो यूज कर ले वो न हो तो एक पेपर ले के वहां पे मास्किंग का टेस्ट करें कि वो ईयर बिजी रहे और पेशेंट की सिर्फ ये टेस्ट कर लिया अगर वो भी नहीं तो बस सिंपल इसको ब्लॉक कर ले अपोजिट को और आइस को इस तरह शॉर्ट कर पहले रिस्पर कर ले फिर उसको समझा कि वो मेरा सिर्फ दोस्त है तो मैं जवाब तो इसने विस्पर सुन लिया तो अभी नेक्स्ट की जरूरत है फर्स्ट करें ये विस्पर नहीं सुन तो आप किस नाम है कन्वर्सेशन करने अगर फिर भी नहीं सुनता तो फिर लव या कैन नॉट हियर विस्पर दिस मीन ही इज हैविंग 30 डीबी हियरिंग 30 डीबी हियरिंग अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डीबी हियरिंग अगर लव या शॉर्ट बोले फिर भी नहीं सुनता 90 डीबी आर गो 90 डीबी उसके बाद आंखें जोर से बंद कर दें
आंख मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। ये जरूरी है कि आंख के कॉल ले सारा पेशेंट सर। मोस्टली कौन से कैनल में फिस्टुला होगा, लेटर कैनल में फिस्टुला काम है, तीन कैनल है, लेटर सुपीरियर कैनल और पोस्टीरियर और सुपीरियर। अगर लेटर में फिस्टुला हो तो लेटर हॉरिजॉन्टल, अगर सुपीरियर में हो इट विल बी रोटेट, अगर पोस्टीरियर हो इट विल बी वर्टिकल। इसके लिए फार्मूला याद रखे आर एस वी पी, डॉट्स पे लिखा होता है, मतलब क्या है सर? रोटेशनल सुपीरियर रिस्पॉन्ड इज सेल मोस प्लेट फ्रेंच रोटेटरी फॉर सुपीरियर। आप जो लेटर ये है रोटेटरी फॉर सुपीरियर वर्टिकल फॉर पोस्टीरियर। अगर सुपीरियर के नाम में हो तो इट विल बी रोटेटरी, पोस्टीरियर में इट विल बी वर्टिकल, लेटर में लेटर रिपोर्ट के सामने रिपीट क्या होगा? बेस स्टेम बॉडी शोल्डर अपर वन सर्टिफिकेट एग्जाम बुक में भूल भी लिखे एक एग्जाम में इसलिए यूज नहीं करते थे उससे फोर टोन्स प्रोड्यूस होते चार टोन प्रोड्यूस होते 1024 वो इसलिए यूज नहीं करते उसमें टोन लिखे हो आप मीन ट्राई करेंगे टोन जल खत्म होगा उसमें टोन लिखे हो इसलिए फोर टोन प्रोड्यूस होते हम फाइव का नर्व यूज करते हैं। पहले ये ईयर कंडक्शन के लिए और ये खराब से क्या रिनी टेस्ट कर लें तो आवाज जाते हैं। अगर पेशेंट कहें कि ये सामने आवाज दे दें ईयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन आइदर पेशेंट बी नॉर्मल इसको क्लिनिकल रिनी टेस्ट कहते हैं क्लिनिकल रिनी टेस्ट और लाउडनेस कंपेरिजन रेंज लाउडनेस कंपेरिजन रेंज और क्लिनिकल रेंज एक है बेसिक रेनी टेस्ट सर स्ट्राइक कर ले मैं स्ट्राइक जो आप सिखो में ड्रिंगा में लिखा है इस तरह स्ट्राइक पास पे रखें पेशेंट से कहें कि जब आवाज खत्म होगी तो आप मुझे बता दें अगर पेशेंट कहें कि आवाज खत्म होगी तो फिर इधर ये कौन सा टेस्ट बेसिक रेनी टेस्ट बेसिक रेनी जो आपकी बुक में लिखा है लेकिन ओपीडी में भी हम क्लिनिकल रेनी करते हैं क्लिनिकल रेनी याद रखें उसके बाद वेबर टेस्ट
अभी इसका ये अफेक्टेड ईयर है और ये लोड ईयर है, नॉर्मल ईयर. If the wavelet rests to the affected ear, there is conductive ring. अब अगर ये कहे कि ये वेवल इस तरफ आ रहा है, there is your hearing loss. एक conductive block में with a false negative ring, वो unilateral your hearing loss हो सकता है. ये ear देखे और इस ear से सुनता है. और जब इस ear पे many test करेंगे यहाँ ये आवाज कैसे, तो आपके जहन में कि रेनिंग इज नेगेटिव. आप जब वेवर रेन नेगेटिव का मतलब क्या है कि कंडक्ट होना से कंडक्ट हो वेवर सेम साइड पे. आप जब वेवर करते हैं यहाँ रहते हैं तो ये गुड़ियर की तरफ जाता है, तो दिस मीन केस में फॉल्स नेगेटिव रेन. ठीक, फॉल्स नेगेटिव. उसके बाद एबीसी, एबीसी के लिए कहते हैं कि एग्जामिनर, उस एग्जामिनर आप होंगे क्योंकि आप पेशेंट एग्जामिन करेंगे, नहीं कि एग्जामिनर है उसके कान पे. जब आवाज खत्म हो जाए आवाज खत्म हो गई कंपेयर कर दोनों. अगर पेशेंट की आवाज खत्म हो गई यहाँ से भी आवाज नहीं आ रही, इस मीन पेशेंट नाम आवाज खत्म हो गई अगर इसको ऑफलूड न करें तो इसको स्वाबे के लिए एबीसी क्वालिफाइड स्वाबे. उसके बाद फिंगर नोस्टिक्स Yeah, that is fine.